गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कुसुम क्रिएटिव चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड तो आप लोग कैसे हो? आई हो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। नवरात्रि का दिन चल रहा है तो सभी को जय माता दी। और फ्रेंड बढ़िया, चलिए फ्रेंड, ये भगवान हम थक गए। तो देखिए फ्रेंड, हम नहा लिए हैं और पूजा कर ली माता रानी की। अब जा रहे हैं हम किचन में, तो जल्दी से इन लोगों के लिए नाश्ता बना दें। नाश्ता बनाने के बाद फ्रेंड, तो कमरे में अभी जो लोग सो रहे हैं बच्चे लोग, उनको उठाएंगे। उनको उठाने के बाद हम आपको धीरे धीरे सब बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो कल आपने देखा मंदिर गए थे, कितनी बढ़िया आरती हुई, बढ़िया बहुत अच्छे से आरती हुई। तो हमने दर्शन भी किए माता रानी को और आपको भी कराए फ्रेंड। तो ऐसे ही आज हम सोच रहे हैं कहीं जाने की, दिखाएंगे आपको हम जाएंगे। तो फ्रेंड चलिए, अब मैं जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। खाना क्या? नाश्ता। देखो हमारी पूजा हो गई, जय माता दी। तो हम आ गए हैं किचन में इस टाइम और छान लेते हैं आटा। आटा छान रही हूँ मैं इधर नाश्ता बनाने के लिए। हम बनाएंगे अपने लिए चाय। अभी हम सुबह से चाय नहीं पिए गैस। हमने कहा पहले ये काम पूजा कर ले, नहाए, योगा से आए। फिर योगा से आने के बाद फिर हमने नहाया, नहा के फिर पूजा की। पूजा करने के बाद फिर सोचा लाओ आटा, आटा गूंद के रख देते हैं, फिर बनाएंगे हम अपने लिए चाय। तो फ्रेंड मिलते हैं 5 मिनट में, बने रहना ऐसे चैनल में, है ना फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जो तो साड़ी हमने पहन के रख दी थी ऐसी रख दी थी हमने, आला सा गया था, हमको घर ही नहीं कर पाई थी। तो हमने सोचा चलो लाओ घर ही कर देते हैं सारे कपड़ों की। कि हमने जो जो साड़ी पहनी थी, जो साड़ी हमने कल पहनी थी, इसको भी पहना था हमने साड़ी को। हमने सोचा खरी करके रख देते हैं। कैसी खरी हुई है फ्रेंड, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है फ्रेंड पैरों में। एक तो व्रत है और ऊपर से योगा में भी जाना पड़ता है सुबह सुबह उठ के। आज तो हम 4:30 बजे नींद खुल गई थी। 4:30 बजे का गुनगुन अलार्म लगाया था। 4:30 बजे से बैठे बैठे हमने झाड़ू भी लगा दी। रश्मि आती है काम करने के लिए, फिर भी हमने झाड़ू लगा दी, पूरा सोफा कवर सही कर दिए। फिर उसके बाद हम बाप रे इतना टाइम हमने कितना बज रहा है। घड़ी का सेल खत्म हो गया था फ्रेंड, हमने देखा ही नहीं। हमने मोबाइल में देखा तो 4:30 बज रहे। तो फिर हमने सोचा रुको अभी, फिर थोड़ा सा सोफा पे बैठे बैठे सो गए हम। पूरा मच्छरों ने काट डाला हमको, इतने मच्छर है हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा, पता नहीं कहाँ से आ जाते मच्छर। अब हमको ना जाली वाला गेट लगवाना पड़ेगा, वो नहीं है हमारे यहाँ, उसको लगवाएंगे। तो फ्रेंड योगा से लौट के आए, फिर हमने नहाया, पूजा पाठ की, खाना पीना बनाया, नाश्ता बनाया, सबको कराया। और शाम हो गई तो सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे। तो हमने सोचा कि सबके घर ही करके रख देते हैं, क्योंकि अभी शाम को सभी लोग आएंगे, चाय बनेगी, इससे पहले हम इसको घर ही करके रख देते हैं। देखो देखो मम्मी आ गई, ये देखो आओ। मैं चाय की बात करी, मम्मी आ गई। चलिए फ्रेंड की घर ही कर ले, हम बनाते हैं चाय। हाँ ये घर ही करके रख ले, मिलते हैं फ्रेंड 5 मिनट में, चाय बना के दे दे मम्मी जी को, फिर मिले। तो फ्रेंड रात हो गई है, रात का खाना बना रही हूँ मैं, बज रहा है 8:30। देखिए फ्रेंड हम खाने में क्या बना रहे हैं, कढ़ी। कढ़ी इसलिए बना रहे हैं कि हम प्याज लहसुन खाते नहीं है नवरात्रि में, इसलिए हम कभी कढ़ी कभी मठा आलू। ये कढ़ी खाओगे? नहीं हम नहीं खाए, हमारा तो पास है ना। नहीं आप तो बोलिए इसके नहीं खाएंगे, हम लोग के लिए बना रहे हैं। अच्छा पापा हैं सब लोग, है ना, हम लोग के लिए बना रहे हैं कढ़ी। हम खाएंगे खाना नौवीं के दिन, जब कन्या खिला देंगे ना उसके बाद खाएंगे। कन्या कब खिलाओ? शुक्रवार को नौवीं है ना, रावण जब जल जाएगा उसके बाद। तो फ्रेंड रात का खाना मैं बना रही हूँ यहाँ किचन में खड़े होके, कढ़ी चावल रोटी और बैंगन आलू की सब्जी। अभी तो कढ़ी बनाई हूँ, अभी पकाया का बनाना बाकी है। तो फ्रेंड मिलते हैं थोड़ी देर में अपन लोग 5 मिनट में, ठीक है, बाय बाय। तो फ्रेंड हनी तो सो गए हैं, देख सकते हो आप, गुन्नू गए हैं गरबा खेलने। आज भी गुन्नू गरबा खेलने गए हैं, तो मेरा बेटा सो गया है, नानू मेरा बेटा, उसने खाना भी नहीं खाया। और मुझे आ रही है फ्रेंड बहुत तेज़ नींद, देख सकते हो, और ठंडी भी लग रही है मेरे को, क्योंकि मेरे बॉडी में पेन हो रहा है आज बहुत तेज़।
पता नहीं क्यों। और गुन्नू हनी के पापा बिग बॉस देख रहे हैं बाहर, तो बोल रहे तुम भी देखो देखो बैठो। थोड़ा सा मैं देख लूँ, रात का एक बज रहा है फ्रेंड, यहाँ घड़ी नहीं लगी नहीं आपको टाइम बता। तो फ्रेंड रात का एक बज रहा है, वो बिग बॉस देख रहे हैं, हम यहाँ सो रही हूँ, मतलब ये सोने आई हूँ हनी के साथ। हनी मेरा बेटा सो गया है, गुन्नू गए हैं गरबा खेलने के लिए, गुन्नू जब आएंगे तो वो एडिट करेंगे। तो फ्रेंड बने रहना मेरे चैनल में, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है फ्रेंड। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, अजीब सा लग रहा है आज, और ठंडी भी लग रही, तो मैं कम्बल ओढ़ लूँ। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक लीजिए राधे राधे, शुभरात्रि, जय माता दी।